खाते गुजरात ना मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समिति ने संबोधी तेमणे कहू के गुजरात नो विजय एक कार्यकरों ना परिश्रम नो विजय छे। केमिकल नो जत्थो भरी ने नेशनल हाईवे ना गोल्डन चौकड़ी थी पसार थती ट्रक में भीषण आग, आग ने प्रचंड ज्वाला थी भयजनक दृश्य सर्जाया। फायर ब्रिगेडे भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। आरटीओ द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार करता रेडियम नंबर बनावनार धंधादारी खफा, वेपारी एकत्रित थई विरोध प्रदर्शन योज्यू। युवा अनस्टॉपेबल संस्था नु भगीरथ कार्य गुजरात औद्योगिक विकास निगम ना सहयोग थी अनाथ आश्रम ना 60 थी वधु बाळकों ने कपड़ा समेत जरूरियात किट नु वितरण। हाई अलर्ट बाद पाणीगेट विस्तार माथी पोटलू मुकेल बिनवारसी साइकल मळी आवता चकचार, पोलीस द्वारा सघन चेकिंग बाद वाघ आव्यो नो माहौल सर्जायो। नमस्कार दर्शक मित्रों, ईसीटीवी ना समाचार कक्ष में आपनु स्वागत छे। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। ભાજપના દિલ્હીમાં શરૂ થયેલા રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠકમાં ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છવાયેલા રહ્યા હતા। આગામી લોકસભા ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કોઈ મોટી ભૂમિકા આપવામાં આવશે તેવી ચર્ચાઓ લાંબા સમયથી ચાલતી હતી। રવિવારે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીને સંબોધી હતી। તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતનો વિજય એ કોઈ એક વ્યક્તિનો વિજય નથી, પરંતુ ભાજપના લાખો કાર્યકરોના પરિશ્રમનો વિજય છે। આ વિજય ભાજપનો અને ભાજપની રાષ્ટ્રીય સમૃદ્ધિનો વિજય છે। મોદીએ કહ્યું હતું કે કાર્યકરોની નજર આજની પરિષદ પર છે। ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રીની જેમ સતત તેનું કવરેજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે આ પરિષદ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે। ભાજપને દિલ્હીમાં જો સરકાર બેઠી હે, યે સરકાર કા હોના हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे रहते हुए हिंदुस्तान के तख्त पर ऐसी सरकार हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं है। देश को डुबो दिया, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई गरीब को मार रही है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार सरकार है कि नहीं है इसकी भी अनुभूति नहीं हो रही है। देश को महसूस नहीं हो रहा, हर प्रकार की सुविधाएं 3 दशक तक उनके पास थी, और वो कालखंड था जब कोरिया भी अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, इजराइल अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, चाइना अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, हिंदुस्तान के पास सारी संभावनाएं पड़ी थी, दुनिया के कई देश हमसे आगे निकल चुके, हिंदुस्तान गिरता चला गया। तब तो राजनीति में हम लोग कहीं नहीं थे। क्या कारण था कि आप कर नहीं पाए, किसने रोका था? कारण यह था कि आपके इरादे ही नहीं रहे, पहले से नहीं रहे। देश के हितों को एक परिवार के हित के लिए बलि चढ़ाना यह कांग्रेस की परंपरा रही है। कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई ताकि वो जो चाहे वो करवा सके, और समय आते ही उस समय के दृश्य टीवी के पास मौजूद है, सीताराम केसरी को दफ्तर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था और पार्टी का कब्जा किया गया था। यह देश लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल का ऐसा लोकतंत्र स्वीकार करेगा? इतना ही नहीं, वो मौके की तलाश में थे, समय की का इंतजार था, जैसे ही मौका मिला तैयारी हुई, सब कुछ हड़प कर दिया, सरकार बनाने की नौबत आई।
फिर ऐसा प्रधानमंत्री चुनो ताकि उस परिवार जो चाहे वो करवा सके। और इसलिए और एक नाइट वॉचमैन, और देश ने सोचा नहीं था कि रात इतनी लंबी होगी। अंधेरा इतना गढ़ा होगा। और जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का खुद का एक विश्व में स्थान है, तो उनको रोकने के लिए कांग्रेस के जुनारे पुराने तरकीबें काम नहीं आएगी। दुनिया समझे ऐसी कोई बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स की भाषा बोल पाए, ऐसा एक बफर सिस्टम कायम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसी काम के लिए कि परिवार नजर ना आए, प्रधानमंत्री कुछ कर ना पाए और फिर भी मन चली होती रहे, और इसलिए जाने माने लोगों का जमकट करके एक फाइव स्टार एक्टिविस्टों का जोला खड़ा करके एनएससी बनाया गया और बहुत सारी सरकार को दिशा दे, इस प्रकार का एक नया तुक किया गया। अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। लेकिन अगर प्रणब दा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो, इस चिंता में देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉचमैन की परंपरा चलाना, यह उन्होंने चालू किया था। कांग्रेस रूपी दिमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है तो उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दिमक से मुक्ति दिला सकता है। और भाइयों बहनों, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है।